दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। हम भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छे हैं दोस्तों, और भोले बाबा से दुआ करते हैं आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियाँ रहें और जीवन में खूब आगे बढ़ते रहें। अभी देखिए हो चुका है, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे गाँव में बारिश के बौछारों के साथ। अचानक से ऐसा हुआ कि मानो पता नहीं क्या हो गया है दोस्तों, आज बारिश जो है सुबह से ही शुरू थी। और सुबह जिस समय हम लोग उठे हैं ना, इतना अंधेरा था, मानो 5:30-6 बजे के करीब उठे हैं। ऐसा लग रहा था कि 4:30 बजे हैं और बारिश अभी हो ही रही है। परसों हमने जो गेहूं धो के रखा था, वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये गेहूँ यहीं पर रखा रह गया था, चक्की पर हमने भिजवाया ही नहीं। तो जैसे ही याद आया वैसे दौड़ते हुए भाग कर छत पर आए, क्योंकि जो बारिश हो रही है ना दोस्तों वो बौछारों के साथ हो रही है। चारपाई भी भीग गई है, बिस्तर भी भीग गए हैं, तकिए भी भीग गए हैं। भगवान की कृपा से गेहूं हमारा बच गया है। हल्की सी बारिश से बौछार पहुंची थी तो गेहूं की बोरी भीग गई थी, इसीलिए हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी से दूसरी बोरी ढूंढ रहे हैं ताकि जो गेहूं पे थोड़ा बहुत पानी पड़ा है बोरी पे वो गेहूं तक ना पहुंचे, नहीं तो फिर सुखाने में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आटा भी घर में ख़त्म हो रहा है, तो आटे वाली जो बोरी थी ना दोस्तों उस दिन हम ढूंढ रहे थे, हमको नहीं मिली, लेकिन आज देखिए जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में ढूंढ रहे थे, मिली गई है। कभी कभी जल्दी जल्दी में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी हड़बड़ाहट में भी हमको बोरी मिल गई है, क्योंकि अक्सर हड़बड़ाहट में हमारा माथा काम नहीं करता है, दिमाग घूम जाता है और कोई भी चीज़ हमको नहीं मिलती है। जब आधे घंटे तक आराम कर लेते हैं बैठ के, थोड़ी देर बाद वही काम वापस से करते हैं तो फिर वो हो जाता है आराम से, लेकिन आज तो चमत्कार हो गया है हमारे साथ। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बस बोरियाँ ले आके यहाँ पे रख दिए हैं और दूसरी वाली बोरी में हम गेहूं को ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर इसको शाम को हम चक्की पे भिजवा देंगे। अभी तो कुछ नहीं होगा, बस इसको रख दिए हैं निकाल करके और नहा के अभी अभी आए हैं दोस्तों, पूजा भी नहीं किए हैं। बाहर का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आज जो मौसम ऐसा मौसम का चेहरा बना हुआ है ना कि डर भी लग रहा है। और बच्चों ने इधर अंदर ही उधम मचा के रखी है, सोफे पे पूरा गीला पैर लेके चढ़ गए। वही इनको हम बोल रहे थे कि आराम से बैठो, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, हवा के बौछारों के साथ ही आज बारिश हो रही है। पूजा नहीं किए हैं, नहाते ही ये सब हो गया, नहाने से पहले कोई बारिश नहीं हुई थी, नहीं तो हम आज बारिश में भी नहा लेते। तो अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड भी लगना शुरू हो गई है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अभी ठंड का मौसम आ गया। 2 दिन पहले तो बहुत ही गर्मी थी, लेकिन अचानक से इतनी ठंड हो गई है। ऊपर से बिजली इतनी ज़ोर ज़ोर से कड़क रही है तो फिर डर तो लग ही जाता है दोस्तों बाहर रहने में। और पेड़ पौधों के पास जब हम रहते हैं तो बिजली कड़कती है तो फिर एकदम से हम कांप उठते हैं। चाय तो रख दिया था गैस पे पकने के लिए धीमी आंच पे, फिर हम नहा के पूजा करने के लिए चले गए। और आज बारिश होने हो रही थी, भागा दौड़ी में लेट भी हो गया है, बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं क्योंकि आज संडे का दिन है और आज रक्षाबंधन के दिन आप सभी व्लॉग देख रहे हो, तो सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। खूब अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में खूब खूब तरक्की करें और यूँ ही आगे बढ़ते रहें। ये अपनी अपने भाई के लिए बहन का जो दुआ है ना, वो दिल से, बहन के दिल से निकलती है। तो दोस्तों ये अभी हम रख दिए हैं चाय, रख नहीं दिए हैं चाय, बच्चों के लिए निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो दूध वाले भैया है ना वो अभी आ रहे हैं, आ गए हैं, तो उनके लिए बाल्टी धो के दे दिए हैं। और बारिश में दोस्तों दुहाई करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जिनका जो काम है, जिनकी जो रोजी रोटी है, जिन पे जिसकी घर गृहस्थी चलती है, तो वो हर हाल में करना पड़ता है,
बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने कर्म को हमें करना ही पड़ता है। तो वही हाल इनका भी है। तो हमने भैंस को क्या किया, छप्पर में बंधवा दिया ताकि भैया का काम जो है वो जल्दी हो जाए। यहाँ पे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे वो। तुम भी गई थी क्या? पढ़ने में सबसे तेज है ना, सही बता ना परी। आई लव यू बेटा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चोट लग गई। क्या है, रोटी खा ली? रोटी खा ली? रोटी बाहर गिरा रही हो? रोटी बाहर क्यों गिरा रही हो छुटंकी? खा ले चुपचाप। तुम्हारे क्या हाल चाल हैं बुद्धन? ओ बुद्धन, ठीक ठाक हो? हाँ, चारा खाओ। लो चारा खाओ, चारा खाओ। शरबत खा रही हो? चारा खा लो। तो दोस्तों, आज का मौसम ऐसा है ना, अभी लग रहा है कि सुबह के 4 बजे हुए हैं। ओ क्यों मार रही हो उसको? ए प्रेग्नेंट है ना, वो मार देगी, उसके पेट में लग जाएगा। कर लो, कायदे से नहीं रह सकते सब लोग प्यार से। तो बारिश हो रही है दोस्तों, मौसम ठीक नहीं है, और इनकी तबीयत भी ठीक थी, आप लोग ठीक नहीं थी। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमारी कल्लो की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सबको छप्पर के अंदर बांध दिया, एक साथ चारों को छप्पर के अंदर बांध दिया है। और अभी ऐसा लग रहा है ना दोस्तों, सुबह के 4 बजे हुए हैं, पूरा मौसम घिरा पड़ा है, और सुबह से ही आज बारिश हो रही है। दिन है आज संडे का, तारीख है आज 18, कल है रक्षाबंधन। तो आज हमको कोई सोचे मिठाई बना लेते हैं, दूध की भी बनाएंगे और मैदे और बेसन वाली भी बनाएंगे। तो दूध तो कल शाम का ही रखा था, इस टाइम दूध नहीं बचाए हैं, दूध वाले भैया जो हैं वो दुहा के लेके चले गए हैं। बारिश में उन सबको बहुत दिक्कत होती है दूध दुहाई करने में। ये जो हमारा टटिया लगा हुआ है ना दोस्तों, ये देखिए, ये पूरा अंदर की ओर चला आ रहा है, गिरा आ रहा है। ये गिर जाएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, देखते हैं इसका कोई रास्ता निकालते हैं, नहीं तो समस्या बड़ी खड़ी हो जाएगी फिर बारिश के टाइम में। अभी सबको आए थे रोटी खिलाने के लिए, अब चल रहे हैं अंदर, देखते हैं क्या बनेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए, मौसम अच्छा है, कुछ अलग बनाने का मन कर रहा है, पर घर में चने थे ना, वो भिगोए ना, मटर भिगोए ना, काबुली चने भिगोए, बनाए तो क्या बनाए ये समझ में नहीं आ रहा है। चल रहे हैं दोस्तों अंदर अब। मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, 2 दिन तक इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि हालत ख़राब थी गर्म के मारे। पर अभी देखिए मौसम कितना साफ लग रहा है ना, और ठंडा भी लग रहा है। तो दोस्तों, इस बार हमने रक्षाबंधन के लिए कोई मिठाई नहीं बना पाई है, वैसे तो बनाने कुछ सामान नहीं इकट्ठे हो पाए थे और कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए नहीं बन पाया है। तो आज अभी दूध, ये अभी का दूध नहीं है दोस्तों, कल शाम का दूध है, तो वो हम बचा के रख लिए थे, तो दूध रख लिए हैं, तो जा रहे हैं मिठाई बनाने के लिए। तो दूध को तो कढ़ाई में डाल दिए हैं, और खाना पीना कुछ भी नहीं भी बना है, सिर्फ चाय नाश्ता हुआ है सबका। हमने कहा पहले यही काम कर लेते हैं, नहीं तो अभी जब रसोई में होता क्या है ना दोस्तों, जब खाना बनाने लग जाओ तो रसोई में बहुत गंदा रसोई भी हो जाता है, काम भी बहुत बढ़ जाते हैं, और किचन में ज़्यादा देर तक हम खड़े नहीं रह पाते हैं। मिट्टी की रसोई है तो वहाँ पे आज हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, बारिश की बहुत सारे इतनी ज़्यादा हैं कि पूरी रसोई में पानी भर गया है, सीढ़ियों से आना जाना, फिर हम भीग जाएंगे, मतलब कोई चांस ही नहीं है वहाँ पे काम करने का। तो हमने कहा यही पे कर लेते हैं, नाश्ता बना के दे दिया, अभी सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, हम पहले इसको कर लेते हैं फिर खाना बना लेंगे। और फिर अगर एक बार खड़े खड़े ज़्यादा टाइम तक खाना बनाएंगे ना, तो फिर बाद में बड़ी आलस आ जाती है, और थकान लग जा की वजह से मन नहीं करता है रसोई में खड़ी होने का। तो हमने कहा पहले यही काम कर लेते हैं, फिर खाना तो मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा, मन करे या ना करे। तो इसीलिए हमने यही शुरू कर दिया है। दूध को रख दिया हमने नॉनस्टिक वाली कढ़ाई में उबलने के लिए, और दूध करीब 1 लीटर रहा है दोस्तों। उसके बाद ये मिल्क पाउडर है, ये काफ़ी 1-1.5 महीने का हो गया है, तो हवा लगने की वजह से ना दोस्तों
मिल्क पाउडर में गांठें बन जाती हैं जब हवा लग जाती है। तो हमने फिर क्या किया, इसको छान लिया। छानने के बाद कुछ निकाल के रख दिया है थोड़ा सा। उसकी मिठाई हम कल बना लेंगे, मैदे वाली मिठाई बनाएंगे, आज दूध वाली बना लेते हैं। तो मिल्क पाउडर के साथ हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है एक चम्मच, आधा आधा चम्मच दो बार निकाले हैं, एक हाथ से बन ही नहीं रहा था। तो आधा पाउडर, एक चम्मच हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद ये है अरा रोट, तो ये छोटा वाला चम्मच है, इससे हम दो चम्मच अरा रोट डाल के पानी में इसको घोल लिए हैं, मिल्क पाउडर को और इन तीनों चीज़ों को। दूध थोड़ा सा मतलब 10-12 मिनट तक पक जाए, फिर उसी में हमें इसको मिलाना है। और जब घर में त्यौहार आते हैं ना दोस्तों, तो पूरा घर का माहौल ही बदल जाता है, हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, एक अलग सा हम महसूस करते हैं और अंदर बड़ी ही खुशी होती है कि चलो त्यौहार आ गया। जैसे ही सावन लगता है वैसे त्यौहारों की बौछार शुरू हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर हर काम करने में मज़ा आता है, आनंद के साथ हम काम को करते हैं। अरा रोट और मिल्क पाउडर वाला घोल डालने के बाद दोस्तों इसको छोड़ना नहीं है, मीडियम आंच पे बराबर चलाते ही रहना है, नहीं तो क्या होगा, कढ़ाई चिपक जाएगी। उसके बाद हमने इसमें चीनी भी डाल दिया है 1.5 कटोरी, ये छोटी सी कटोरी है, जिस हिसाब से हमारा दूध था उस हिसाब से डाल दिया। फिर इसमें डाल दिया हरी इलायची। इसी प्रकार से बराबर हम इसको चलाते रहेंगे और फिर इसकी हम बर्फ़ी जमा देंगे। बर्फ़ी ही जमाएंगे, अक्सर हम पेड़ा बनाते हैं लेकिन ये दूध, सिर्फ दूध का तो है नहीं, इसमें मिल्क पाउडर भी डाल दिया, अरारोट इसलिए डाल दिया है ना दोस्तों, ताकि ये चिकना रहे, दूध में दाने ना पड़े, बर्फ़ी हमारी एकदम से एकदम सॉफ्ट बनेगी इससे बर्फ़ी, और दाने भी नहीं पड़ेंगे। तो जो हलवाई बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अभी हमें मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा है, यही होता है जल्दी जल्दी काम करने का नतीजा। जो काम जब करना रहता है तभी करो, तब ठीक रहता है। मतलब समय बदल दो, रूटीन बदल दो, तो जैसे हम घूम जाते हैं ना, वैसे रेसिपी भी आज हमारी घूम गई है रूटीन बदलने से। अक्सर हमेशा हम क्या करते हैं, सारे काम करने के बाद जब कोई रेसिपी रिकॉर्ड करनी होती है तब रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आज देखिए हमने पहले इसको किया बाद में खाना बनाने जा रहे हैं, तो आज लगता है कि सब गड़बड़ हो गया है। अभी जमा दिया है, हमें लग ही नहीं रहा है लक्षण देख के कि आज हमारी बर्फ़ी जो है वो जम जाएगी। ये देखिए फ्रिज में इसको रख दिया था, लेकिन दोस्तों सक्सेस नहीं हुआ है आज का हमारा, ये जो बर्फ़ी हम बनाए हैं ना, ये हमारा सक्सेस नहीं हुआ। देख रहे हैं चाकू से इसको हम काट रहे हैं, कट ही नहीं रहा है, पूरा बल दे दिया है लेकिन फिर भी कटने का नाम नहीं रहा है। ये देखिए इस तरह से ये बड़ हो गया है। और ये क्यों बिगड़ा है, इसका मैं रीज़न भी आप सभी को बता देती हूँ, ताकि जो गलती हम किए हैं वो आप लोग ना करो। गलती हमने इसमें ये की है दोस्तों, अरा रोट इसमें ज़्यादा चला गया है, जो कॉर्नफ्लोर हमने माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कस्टर्ड पाउडर जो हमने डाला है वो भी अरा रोट का ही होता है, और अरा रोट हमने 2 चम्मच फिर से डाल दिया। टोटल हमको 1 लीटर दूध में 1 छोटा चम्मच ही अरा रोट डालना चाहिए, इसकी वजह से पूरा हमारा काम बेकार हो गया है, मिठाई इस तरह से हो गई। लेकिन फिर भी कैसी भी बन जाए घर में, टेढ़ी मेढ़ी ठीक परफेक्ट जो भी, घर में वो ख़त्म ही हो जानी है, तो ख़त्म तो वो हो ही जाएगी शाम तक में। और ये देखिए कल है रक्षाबंधन, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। कल है सोमवार, यानी कि महात्यौहार रक्षाबंधन। तो दोस्तों त्यौहार तो है ही, उसके बाद कल है सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार, हमारा व्रत भी है, और आखिरी सोमवार है तो रोट भी चढ़ाना है, मंदिर भी जाना है, पूजा भी करना है, और मायके भी जाना है, त्यौहार घर में भी मनाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमने कहा चलो पैरों में आलता आज ही लगा लेते हैं, ताकि कल हमारा काम हल्का रहेगा। ये आलते की डिबिया खो गई थी, छप्पर के अंदर थी, बड़ी मुश्किल से मिली है, लेकिन जब मिल गई हमने इसको वापस से वही खोज दिया कि जब लगाना होगा निकाल लेंगे, लेकिन बारिश हुई, बारिश का पानी आलता के अंदर चला गया, जिससे हमारा पूरा आलता ख़राब हो गया है। जैसे जैसे थोड़ा बहुत लगा लिया है फिर से हम खरीद लेंगे। सुबह का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, मानो आसमान धरती पे आ जाएगा, इतना अंधेरा था, घोर अंधेरा। लेकिन अभी का मौसम देख रहे हैं, शाम के करीब 6 बजे का टाइम हो रहा है, धूप इतनी ज़्यादा खिली है कि हम बैठ भी नहीं सकते हैं छत पे। सुबह
सुबह जो कपड़े धो के डाले थे दोस्तों वो अच्छी तरह से सूखे नहीं है, सिर्फ इनके पानी खत्म हो गए, बाकी सारे कपड़े गीले हैं। अभी तो धूप है लेकिन टाइम नहीं है, अब जा रहे हैं नीचे, घर का काम करना है, नीचे का शाम के खाने की तैयारी भी कर। नीचे जाने से पहले हमने सोचा ये सारे काम निपटा ही देते हैं, नहीं तो फिर ऊपर आना भूल ही जाएंगे। ये चारपाई बाहर पड़ी थी, कपड़ों को तो हमने एक डंडा लगा के छप्पर के अंदर डाल दिया है, क्योंकि कल हम चले जाएंगे मायके तो फिर ये कपड़े यूं ही पड़े रह जाएंगे, इसलिए टांग दिया है। ये देखिए सारे बच्चों ने आज मेहंदी लगा ली है, तीनों बहनों ने लगाई है, तो इनके पापा तीनों बहनों को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। हम तो काम में थे पर इन्होंने सबको खाना खिला दिया है। एक बार फिर से आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है सुबह का टाइम दोस्तों, दिन है सोमवार का, यानी कि रक्षाबंधन का दिन है। और अभी ये थोड़ा सा क्लिप हमने ऐड कर दिया क्योंकि ब्लॉग हमारा शाम को पूरा नहीं हुआ था। धीरे धीरे दोस्तों आज के ब्लॉग खत्म करने का टाइम हो रहा है, सबसे पहले यहाँ साफ सफाई ही चलती है। अब इस ब्लॉग को हम खत्म करेंगे और कल का जो नया वीडियो आप लोग देखोगे यानी रक्षाबंधन स्पेशल, उस वीडियो की हम शुरुआत कर देंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके। और जो भाई बहन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मिलेंगे आप सभी को कल के नए वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय दोस्तों। और हाँ, कल के वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और आप लोगों ने रक्षाबंधन कैसे मनाए, कहाँ कहाँ से आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।